प्रशासन द्वारा जिला कारागार में महिला बंदियों का तनाव दूर कराने के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है। प्रत्येक बुधवार को जेल में हो रही काउंसलिंग से बंदियों की मनोदशा बदल रही है। इसके बाद पुरुष बंदियों की भी काउंसलिंग कराई जाएगी। जिला जेल की चार दीवारी के अंदर रह रही महिला बंदी तनाव की जिंदगी जी रही है। महिलाओं को तनाव दूर करने के लिए जेल में काउंसलिंग कर बंदियों का तनाव दूर कर मनोदशा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया का कहना है कि विभिन्न अपराधों में जेल में कैद महिला बंदी किसी न किसी बात को लेकर परेशान चल रही है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए महिला टीचर और बाहर के काउंसलर काउंसलिंग कर रहे हैं। वर्तमान में जिला कारागार आगरा में लगभग 135 महिला बंदी निरुद्ध है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के पत्र के अनुसार विभिन्न सहयोगी संगठनों के माध्यम से महिला इंस्ट्रक्टरों के द्वारा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग की जा रही है, जो कि प्रत्येक बुधवार को होती है। अभी तक 3 काउंसलिंग हो चुकी है एवं इनके द्वारा मात्र दिवस पर भी कार्यक्रम किया गया था। एक चलता रहेगा और इसके बाद सीएमओ साहब से अनुरोध करेंगे कि पुरुष बंदियों के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग प्रारंभ करा दी जाए। जिला कारागार में 135 महिला बंदी विभिन्न मामलों में निरुद्ध हैं। इनमें हर महिला तनाव में चल रही है। महिला बंदियों की मनोदशा बदलने प्रत्येक बुधवार को कारागार में जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया की देखरेख में काउंसलिंग कराई जा रही है। महिला बंदियों की काउंसलिंग के बाद जेल में निरुद्ध पुरुष बंदियों की भी काउंसलिंग कराई जाएगी। कारागार में जो निरुद्ध हैं महिला बंदी एवं पुरुष बंदी तनाव में तो रहते ही है, क्योंकि जेल का एक वातावरण कहिए चाहे जेल कहिए, उसकी वजह से जो है तनावग्रस्त रहते हैं। कुछ कुछ परिवार पूरे ही जेल में आ जाते हैं जिनका कोई पैरोकारी करने वाला नहीं है, तो उनको काउंसलिंग के माध्यम से एडवोकेट इत्यादि के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर पीयूष जैन के नेतृत्व में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जिला जेल में चल रही है। इनमें ऐसी महिला बंदी हैं जिनका पूरा परिवार जेल में बंद है और बच्चे घर पर रह रहे हैं। इसके साथ ही पैरवी न होने के कारण महिला बंदी परेशान चल रही है। इसके लिए समझाया जा रहा है कि दीवानी से निःशुल्क सरकारी अधिवक्ता पैरवी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें किसी भी तरह की फीस भी नहीं देनी होगी। इस तरह काउंसलिंग कर समझाने का प्रयास काउंसलर कर रहे हैं। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।